नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी 2.0 पर, जहां आपको बॉलीवुड से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। अगर आप बॉलीवुड टॉपिक्स पर इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल फिल्मी वाणी 2.0 को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन सिनेमा के मोस्ट वर्सटाइल एक्टर मिस्टर अजय देवगन सर की। चर्चा करेंगे इनके करियर के अप्स एंड डाउन्स पर और देखेंगे कि अजय देवगन आज की तारीख में कैसे इतने बड़े सुपरस्टार बने। दोस्तों, प्रेजेंटली अजय देवगन की गिनती बॉलीवुड के ए लिस्ट स्टार्स में होती है और इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर 100 से 150 करोड़ की कमाई बड़े ही आराम से कर जाती है। वैसे अगर देखें तो ये साल 2010 से अभी तक का समय अजय देवगन के 30 साल लंबे फिल्मी करियर का सबसे बेस्ट फेस रहा, या यूं कहें अजय देवगन को असली स्टारडम इसी पिछले दशक से मिलनी शुरू हुई। इनके करियर को बड़े ही आराम से 3 दशकों में बांटा जा सकता है। पहला 90 के दशक, जब अजय देवगन नए नए ही इंडस्ट्री में आए थे और शुरुआती फिल्मी सफलता से ये बड़े बड़े स्टार्स के बीच अपनी पकड़ मजबूत बना पाने में कामयाब रहे। दूसरा दशक यानी कि अर्ली 2000 से सन 2010 तक अजय देवगन ने काफी ज्यादा क्रिटिकल सफलता हासिल करी। क्रिटिक्स से लेकर ऑडियंस तक को अजय देवगन ने अपनी वैरायटी भरी फिल्मों से दिल जीत लिया। तीसरे दशक में 2011 से अब तक का समय मान सकते हैं, जहां अजय देवगन ने बॉक्स ऑफिस पर असली कमर्शियल सफलता हासिल करी। इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर हिट सुपरहिट फिल्मों की झड़ी लगा दी और ये बॉलीवुड के टॉप 5 एक्टर्स में गिने जाने लगे। हम अपने वीडियो में इन्हीं 3 फेज पर चर्चा करते हुए अजय देवगन के करियर को एनालाइज करेंगे। दोस्तों, अजय देवगन आज भी अपनी इंटेंस एक्टिंग के चलते जाने जाते हैं और इनकी आंखों की तो हमेशा से तारीफ होती आई है। करियर के एक फेज तक इन्हें इंटेंस एक्टर मान लिया गया था। ये भी कह सकते हैं कि उस समय तक ये काफी अंडररेटेड थे, इतने बड़े स्टार नहीं थे जितना कि आज हैं। इसमें कोई दोराय नहीं है कि सीरियस और इंटेंस रोल के लिए अजय देवगन आज भी बेस्ट चॉइस हैं, लेकिन इन्होंने अच्छा ये किया कि लगातार एक्सपेरिमेंटल फिल्मों में काम करते रहे। इन्होंने एक्शन, कॉमेडी, रोमांटिक थ्रिलर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर, पॉलिटिकल, पैट्रियोटिक और बायोग्राफिकल जॉनर की हर फिल्में साइन करी और फिल्म की सफलता अजय देवगन की एक्टिंग डेप्थ की परत दर परत खोलती गई। देखते ही देखते अजय देवगन एक स्टार बन गया, सिर्फ स्टार ही नहीं एक एक्टर भी। अजय देवगन ने अपनी फिल्मों से इंटेंस एक्टर की इमेज तोड़ी और इन्हें लोग मोस्ट वर्सटाइल एक्टर कहने लगे। इतना ही नहीं, अजय देवगन को उनकी अदाकारी के लिए 2 बार नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अजय देवगन ने इंडस्ट्री को जो कैरेक्टर दिए उन्हें आप भुला नहीं सकते, चाहे वो कंपनी का मलिक हो, गंगाजल का SP अमित कुमार, खाकी का यशवंत आगरे, ओमकार शुक्ला हो, बाजीराव सिंघम हो, या फिर वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई का सुल्तान मिर्जा। अजय देवगन के सारे ही रोल आइकॉनिक रहे, जिसमें पर्सनली सुल्तान मिर्जा मेरा फेवरेट है। अजय देवगन आज जिस भी मुकाम पर हैं, वे सिर्फ अपनी मेहनत और लगन के दम पर हैं। एक समय तक अजय देवगन को काफी क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा था, कोई इनके लुक के चलते क्रिटिसाइज करता तो कोई इनकी एक्टिंग को लेकर। डांस में भी ये कच्चे रहे और रोमांटिक रोल्स में भी फ्लैट पड़ते, जिसके चलते अजय देवगन का सफर इतना भी आसान नहीं था। अजय देवगन एक सिंपल और डाउन टू अर्थ अभिनेता रहे, लाइमलाइट और कॉन्ट्रोवर्सी से भी खुद को दूर रखते, पार्टी और अवार्ड फंक्शन वगैरह से भी खुद को दूर रखते। ऐसे में इंडस्ट्री में खुद को बनाए रखना भी आसान नहीं था। अजय देवगन का कहना था कि वे इंडस्ट्री में 20-25 सालों से एक्टिव हैं और इसी चीज को वे अपनी बिगेस्ट अचीवमेंट मानते हैं। अजय देवगन का 90 के दशक में बड़े बड़े हीरोज के बीच खुद को बनाए रखना बहुत बड़ी बात थी। अप्स एंड डाउन्स तो करियर में आते रहे, लेकिन अजय देवगन के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके पास कभी काम ना हो। अजय देवगन ने बतौर लीड हीरो साल 1991 की फिल्म फूल और कांटे से डेब्यू किया। लम्हे फिल्म के मेकर्स पहले तो फूल और कांटे को रिलीज ही होने नहीं दे रहे थे, बाद में उन्होंने फूल और कांटे से लम्हे फिल्म का क्लैश करा दिया। फिल्म के हीरो अनिल कपूर थे, जिनकी गिनती उस समय के बड़े सुपरस्टार्स में होती थी। वहीं अजय देवगन तो नए नए ही आए थे, ऐसा लगा था कि अजय देवगन का करियर मानो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने करी नहीं थी। फूल और कांटे को महज 3 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने 12 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके दिखाई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ह्यूज ब्लॉकबस्टर रही, वही लम्हे फिल्म बुरी तरह से पिट गई। एक ही फिल्म से अजय देवगन स्टारडम पा चुके थे और इनके पास कई प्रोजेक्ट्स लाइन से लग गए। साल 1992 में अजय देवगन की फिल्म जिगर रिलीज हुई। इनकी दूसरी फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और अजय देवगन एक बैंकेबल स्टार बन चुके थे। इसके बाद प्लेटफॉर्म, दिलवाले, विजय पथ, सुहाग, नाजायज, हलचल, हकीकत, दिलजले, जान, इश्क और इतिहास जैसी फिल्मों ने अजय देवगन को 90 के दशक का एक पॉपुलर हीरो बना दिया। जख्म फिल्म के लिए अजय देवगन को तो पहली बार नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। वहीं हम दिल दे चुके सनम के लिए भी इन्हें काफी ज्यादा क्रिटिकल अक्लेम मिला।
90 के दशक का अंत हुआ और अजय देवगन अपना स्थायी नाम बना पाने में कामयाब रहे। अर्ली 2000 की शुरुआत के साथ ही एक्शन जॉनर का भी अंत हुआ। इनकी फिल्मोग्राफी में देखने पर इतना तो महसूस होता है कि इन्होंने इस बात को काफी अच्छे से भाप लिया था। अर्ली 2000 के बाद से अजय देवगन ने वैरायटी भरे जॉनर्स की ओर रुख किया। हालांकि अब इन्हें कमर्शियल सफलता इक्का दुक्का ही देखने को मिलती। इनकी फिल्में लाइन से फ्लॉप होती गईं। अर्ली 2000 के शुरुआत में इनकी मूवी दीवाने और राजू चाचा जैसी फिल्में रिलीज हुई। ये दोनों ही फिल्में फ्लॉप रहीं, जहां राजू चाचा फिल्म से तो अजय देवगन को भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ा। 2001 भी पूरी तरह से डिजास्टर रहा। 2002 में ये कह सकते हैं कि अजय देवगन ने अपनी एक्टिंग की कई परतें खोल दी। कंपनी फिल्म से इन्हें क्रिटिकली और कमर्शियली सफलता मिली। वहीं द लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म में इन्हें दूसरी बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी साल रिलीज हुई दीवान की फिल्म में इनके काम को खूब सराहा गया, लेकिन अभी भी वो ऑरा मिलना बाकी था जिसके चलते इन्हें टॉप एक्टर कहा जा सके। 2003, 2004 और 2005 की मैक्सिमम फिल्में फ्लॉप रहीं, जिसमें परवाना, चोरी चोरी, इंसान, ब्लैकमेल, काल और टैंगो चार्ली जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। हालांकि गंगाजल, युवा और खाकी जैसी फिल्में इसी टाइम फेज में निकल कर आईं। कुल मिलाकर अजय देवगन लीग में तो बने हुए थे, मगर इन्हें टॉप एक्टर के तौर पर या एक बड़े स्टार के तौर पर कंसिडर नहीं किया जा सकता था। हालांकि इस दौरान इन्हें क्रिटिकल सफलता काफी ज्यादा मिली। युवा, रेनकोट, अपहरण और शिखर जैसी फिल्म में अजय देवगन के काम को काफी ज्यादा पसंद किया गया। 2006 की गोलमाल तो सक्सेसफुल रही, लेकिन कैश, आग, हल्ला बोल, संडे और यू मी और हम जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फिर से फ्लॉप हो गईं। एक तरह से अर्ली 2000 से 2008 के बीच अजय देवगन ने क्रिटिकल सफलता तो काफी ज्यादा हासिल करी, लेकिन कमर्शियल सफलता उतनी बड़ी नहीं थी। अब शुरुआत थी कमर्शियल सफलता हासिल करने की। अब तक अजय देवगन और रोहित शेट्टी की जोड़ी भी साथ आ चुकी थी। 2008 में ये दोनों गोलमाल रिटर्न्स और इसके तुरंत बाद ऑल द बेस्ट फिल्म में नजर आए। ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहीं और अजय देवगन का जबरदस्त कमबैक हुआ। 2010 की अतिथि तुम कब जाओगे, राजनीति, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई और गोलमाल 3 से अजय देवगन का पूरा करियर पटरी पर आ चुका था। ये सारी ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही और अजय देवगन का नाम एकदम से उड़ गया। इस समय अजय देवगन को क्रिटिकली और कमर्शियली दोनों सफलता एक साथ मिल रही थी। साथ ही साथ रोहित शेट्टी और अजय देवगन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी बनकर उभरे। भले ही रोहित शेट्टी को अजय देवगन ने काम दिया हो, लेकिन ये 100% सच है कि रोहित शेट्टी की फिल्मों ने अजय देवगन को बड़ा स्टार बनाने में पूरा योगदान रहा है। सिंघम की सफलता के साथ ही अजय देवगन इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में अपनी जगह बना चुके थे। फिल्म दर फिल्म अजय देवगन के हिस्से सफलता आती गई और इनका मार्केट प्राइस भी एकदम से उठ गया। गोलमाल और सिंघम की फ्रेंचाइजी ने अजय देवगन को वाकई में एक बड़ा स्टार बना दिया था। बोल बच्चन, सन ऑफ सरदार, दृश्यम और रेड जैसी फिल्मों से भी अजय देवगन को जबरदस्त सफलता मिली। 2020 की तानाजी फिल्म ने 368 करोड़ की कमाई करी। इतनी कमाई अजय देवगन के स्टारडम को बयां करने के लिए काफी है। तक अजय देवगन को इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में कंसिडर किया जाने लगा और इनकी काफी लॉयल फैन फॉलोइंग भी बन गई। तो इस तरह काफी सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद अजय देवगन फाइनली एक बड़े स्टार्स बन चुके हैं। अगर कुछ पॉइंट्स में अजय देवगन के करियर को एनालाइज करें तो पहली बात, अजय देवगन काफी टैलेंटेड रहे, जो हर फिल्म और हर किरदार के साथ खुद को ढाल लेते। इनकी फिल्मोग्राफी में वैरायटी भरी फिल्में देखने को मिली और इन्होंने अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस दी। इसके चलते अजय देवगन के करियर को वाकई पुश मिला। इन्होंने कई बार ऐसे सब्जेक्ट भी चूज करे जिसे जनरली एक स्टार सेलेक्ट करने से बचता है, जैसे कि मैं ऐसा ही हूँ और रेनकोट जैसी फिल्में। नो डाउट अजय देवगन एक नायाब एक्टर तो थे ही, मगर सफल फिल्मों की सीरीज देने से ये चूक रहे थे। इस पर रोहित शेट्टी का जो साथ मिला, उससे अजय देवगन के करियर को वाकई बूस्ट मिला। अजय देवगन की सिंप्लिसिटी और इनके डाउन टू अर्थ नेचर ने भी एक समय के बाद इनके लिए काम करना शुरू कर दिया और इनकी काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग बनती गई। आज अजय देवगन इंडस्ट्री के टॉप 3 एक्टर्स में गिने जाते हैं और ये काफी मोटी फीस चार्ज कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये रहा अजय देवगन पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो। आपको अजय देवगन कैसे लगते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।